नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। इफ द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम लेस देन 4 द सब्सटेंस इज यूजुअली। जब किसी सब्सटेंस की वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4 से कम होता है, लेस देन 4, तब हम उसको कंडक्टर कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहेंगे या नन ऑफ द एबव। देखो, जो कंडक्टर होता है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 से कम होता है, और जो इंसुलेटर होता है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 से ज़्यादा होता है, और जो सेमीकंडक्टर होता है उसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 के बराबर इक्वल टू 4 होता है। तो क्वेश्चन में है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 मीन्स ये हमारा कंडक्टर होगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर है, जिसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमेशा 4 से कम होता है। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये सिंक्रोनस मोटर इज ए डैश मोटर। सिंक्रोनस मोटर एक वेरिएबल पावर फैक्टर मोटर है, या वेरिएबल स्पीड मोटर है, या सिंगल फेड मोटर है, या नन ऑफ द अबव। देखो, जो हमारा सिंक्रोनस मोटर होता है वो एक वेरिएबल पावर फैक्टर मोटर होता है, क्योंकि सिंक्रोनस मोटर को हम पावर फैक्टर इम्प्रूव करने के लिए भी यूज करते हैं। सिंक्रोनस मोटर को हम सिंक्रोनस कैपेसिटर भी कहते हैं, जब यह विदाउट लोड में ओवर एक्साइट में काम करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दी करेंट रेटिंग ऑफ ए फ्यूज इज 5 एम्पियर। एक फ्यूज वायर है उसका करेंट रेटिंग कितना है ना 5 एम्पियर। दी फ्यूजिंग करंट विल बी, उसका फ्यूजिंग करंट मीन्स ये कितने एम्पियर में, कितना एम्पियर में मेल्ट होगा। देखो, 5 एम्पियर में, 2.5 एम्पियर में, 1 एम्पियर में, या मोर देन 5 एम्पियर। देखो, किसी भी फ्यूज वायर का रेटिंग 5 एम्पियर है, मीन्स 5 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो अब ये क्या होगा ना, मेल्ट होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा ना, मोर देन 5 एम्पियर फ्यूजिंग करंट। तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एट द रॉप गाइड द मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज इज डैश ऑफ द लेंथ ऑफ द लाइन। देखो, 2 kV पर किलोमीटर, 1.6 kV पर किलोमीटर, 3.2 kV पर किलोमीटर, या 3 kV पर किलोमीटर। तो कौन सा होगा इकोनॉमिकल ट्रांसमिशन वोल्टेज। देखो, इसका आंसर होगा 1.6 kV पर किलोमीटर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखो, ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका आंसर, 1.6 kV पर किलोमीटर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम्पर वाइंडिंग इन ए सिंक्रोनस मोटर इज, जब एक सिंक्रोनस मोटर में हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, रिड्यूस द विंडेज लॉस, विंडेज लॉस को कम करने के लिए, सर्व टू स्टार्ट द मोटर, मोटर को स्टार्ट करने के लिए, इम्प्रूव पावर फैक्टर ऑफ द मोटर, मोटर के पावर फैक्टर को इंक्रीज करने के लिए, या इंक्रीज हंटिंग ऑफ द मोटर, मोटर में जो हंटिंग होता है सिंक्रोनस मोटर में उसको इंक्रीज करने के लिए। देखो, पहला जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें डैम्पर वाइंडिंग को हम यूज करते हैं क्योंकि स्टार्ट द मोटर। जो सिंक्रोनस मोटर होता है उसमें ये मान लो ये हमारा उसका रोटर है, सिंक्रोनस मोटर का ये स्टार्टर है। तो ये मान लो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये साउथ, ये नॉर्थ। देखो, जो रोटर होता है रोटर के फेस में हम क्या कनेक्शन करते हैं ना, डैम्पर वाइंडिंग को इधर इधर कनेक्शन करते हैं, क्यों, टू स्टार्ट द मोटर, सेल्फ स्टार्ट के लिए। सिंक्रोनस मोटर की सेल्फ स्टार्ट के लिए हम डैम्पर वाइंडिंग का यूज करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन ए सिंपल ओम मीटर द इन्फिनिटी ओम मार्क इज डैश ऑफ द स्केल। देखो, जो हमारा एमीटर होता है 0 से शुरू होता है, 1 1 1 2 3 4 5 होता है, वोल्ट मीटर भी ऐसे ही 1 2 3 4 होता है, लेकिन ओम मीटर में क्या होता है ना, राइट से शुरू होता है, राइट से 0 1 2 3 4 लास्ट में इन्फाइनाइट रहता है। तो इन्फाइनाइट मार्क ओम मीटर में कहाँ पर रहता है, लेफ्ट में रहता है, इधर है, तो फार लेफ्ट होगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 1। बाकी वोल्ट मीटर एमीटर में जो 0 होता है वो लेफ्ट में रहता है, लेकिन ओम मीटर में इन्फाइनाइट रहता है लेफ्ट में। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, टू थिंग्स व्हिच आर सेम फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ ए ट्रांसफार्मर। देखो, ट्रांसफार्मर जो होता है उसके 2 वाइंडिंग होता है, एक होता है प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरा होता है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो 4 ऑप्शन में से कौन सा 2 थिंग्स प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी बराबर सेम रहता है। तो आंसर होगा एम्पियर टर्न और वोल्टेज पर टर्न।
प्राइमरी में भी जितना रहेगा सेकेंडरी में भी उतना रहेगा। रेजिस्टेंस अगर स्टेप अप होगा स्टेप डाउन होगा तो रेजिस्टेंस भी वेरी होगा, अगर प्राइमरी में कम रहेगा तो सेकेंडरी में ज़्यादा रहेगा। लीकेज रिएक्टेंस भी वेरी होगा, करंट भी वेरी होगा, इंड्यूस वोल्टेज भी वेरी होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा, ऑप्शन नंबर वन क्या है ना, एम्पियर टोन और वोल्टेज पर टोन, ये ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में जितना रहेगा सेकेंडरी वाइंडिंग में भी उतना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर वन होगा उसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 3-2 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड टू फॉर्म ए ट्रायंगल। देखो तीन रजिस्टर, वन रजिस्टर, टू रजिस्टर, थ्री रजिस्टर, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये 2 ओम, एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बन गया, द रेजिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर, दो कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा, इस कॉर्नर इस कॉर्नर, या इस कॉर्नर इस कॉर्नर, या इस कॉर्नर इस कॉर्नर के बीच में रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला है, 2/3 × R, R मीन्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम है, 2 ओम, तो इक्वल टू 2/3 × 2, R के बदले 2 लिखेंगे, 4/2 × 2, 4, 4/3 ओम होगा इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, इफ सी द कैपेसिटेंस पर फेज फॉर डेल्टा कनेक्टेड कैपेसिटर बैंक। देखो डेल्टा मीन्स ये वाला, ये कैपेसिटर है, ये डेल्टा कनेक्शन हो गया, तो इसमें कैपेसिटेंस कितना है सी, इसका वैल्यू भी सी, सी इज द कैपेसिटेंस पर फेज, ये भी सी है। जब हम इसको स्टार कनेक्शन करेंगे, स्टार कनेक्टर मीन्स ये वाला, ये स्टार कनेक्शन हो गया, सॉरी ये वाला, ये स्टार कनेक्शन हो गया, तब क्या होता है ना, इस कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना होता है। देखो स्टार कैपेसिटेंस का स्टार इक्वल टू 3 × कैपेसिटर डेल्टा, ये होता है फॉर्मूला। तो इसका आंसर क्या होगा 3C, ये फॉर्मूला देखो, स्टार की कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 3 × डेल्टा की कैपेसिटेंस, तो आंसर होगा 3C, ऑप्शन नंबर वन होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इलेक्ट्रिक पावर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय DC बिकॉज, जो इलेक्ट्रिक पावर होता है हम ट्रांसमिशन करते हैं वो DC में क्यों नहीं करते हैं, सिर्फ AC में ही क्यों करते हैं। देखो ऑप्शन चार है, देयर इज ए स्किन इफेक्ट इन DC, ये रॉन्ग है, देयर इज ग्रेटर वोल्टेज ड्रॉप, रॉन्ग है, DC वोल्टेज कैन नॉट बी स्टेप अप, यही करेक्ट आंसर है। देखो क्योंकि जब हम जो DC होता है वो ट्रांसफार्मर में यूज नहीं होता है, DC को हम ट्रांसफार्मर में यूज नहीं कर सकते हैं, और वोल्टेज को स्टेप अप सिर्फ ट्रांसफार्मर ही करता है जो सिर्फ AC ही यूज होता है। जब हम पावर जनरेशन करते हैं सिर्फ 11 के भी पावर जनरेशन करते हैं, लेकिन जब ट्रांसमिशन करते हैं 132 के भी वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं, तो 11 के बी से 132 के बी हम कैसे पहुंचता रीच करते हैं ना, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सहारे हम 132 ये या इससे भी ज़्यादा वोल्टेज का स्टेप अप करते हैं। तो इसीलिए हमें ट्रांसफार्मर की हेल्प चाहिए, लेकिन DC ट्रांसफार्मर में काम नहीं करेगा, तो इसीलिए ट्रांसमिशन के लिए हम सिर्फ AC को ही यूज करते हैं, DC को ट्रांसमिशन में नहीं यूज करते हैं। देन देखो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, थैंक यू।